सबस्क्राइब करा जनवार्ता न्यूज चॅनलला, बेल आयकॉन वर क्लिक करून लेटेस्ट न्यूज बघा. पुणेकर खवय्यांना कोरियन पदार्थाची मेजवानी. बान टाओ मध्ये 21 फेब्रुवारी पासून कोरियन फूड फेस्टिवल. हायत पुणे सर्व खवय्यांना परत एकदा एका आगळ्या वेगळ्या फूड फेस्टिवल साठी आमंत्रित करत आहेत. 21 फेब्रुवारी ते 5 मार्च या कालावधीत बान टाओ या त्यांच्या अवॉर्ड विनिंग पॅन एशियन रेस्टॉरंटमध्ये हे फूड फेस्टिवल होणार आहे. शेफ जॉन हवांग हे कोरियन एक्सपर्ट शेफ असून हे या फेस्टिवलसाठी बान टाओच्या समूहाला जुळणार आहेत. हायत पुणे कल्याणी नगर येथे नेहमीच पुणेकरांना सर्वोत्तम देण्याच्या भावनेने आंतरराष्ट्रीय शेफ पुणेकरांसाठी घेऊन येत असतात. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या इंडोनेशिया फूड फेस्टिवलच्या यशानंतर हायत पुणे कोरियन कुझिन आणि त्यांच्या पाककलेचे दर्शन पुणेकरांना पुण्यातच अनुभवायला मिळणार आहे. या फेस्टिवलमध्ये पुणेकर खवय्यांसाठी सर्वोत्तम आणि सुप्रसिद्ध कोरियन पदार्थ कोंडिमेंट्स खायला मिळणार आहेत. सो बान टाओ जो है वो हमारा सबसे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है. हम वहाँ एशियन कुजीन सर्व करते हैं और पिछले 4 साल से लगातार बान टाओ बेस्ट एशियन रेस्टोरेंट का अवार्ड मिल रहा है सिटी में. इसलिए हम चाहते हैं हमेशा कि ये रेस्टोरेंट हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहें. पिछले साल हमने चाइनीज़ प्रमोशन किया, फिर हमने इंडोनेशियन प्रमोशन किया, इस बार हम कोरियन शेफ करके लेकर के आए हैं. हमारे बहुत सारे होटल्स हैं हायत के पूरे दुनिया भर में. पार्क हायत कोरिया से वहाँ के शेफ योंग हमारे यहाँ आए हैं 10 दिन के लिए और वो वहाँ के खाने को यहाँ जो पुणेवासी हैं उनको सर्व करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है और कुछ नया शहर के लिए पुणे के लिए करना चाहते थे. अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे फूड हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन है, बट शेफ़ ने स्पेशली जब हमने उनको बताया कि हम उनको पुणे बुलाना चाहते हैं तो उन्होंने स्पेशली मेन्यू तैयार किया जहाँ पर वेजिटेरियन डिशेस भी हैं और ताकि यहाँ के लोग को बोथ नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन कोरियन फूड का टेस्ट मिल सके.